नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और खबर यह है कि बिहार पुलिस और शराब माफियाओं के बीच में बड़ी मुठभेड़ हुई है। और यह मुठभेड़ कहां हुई है? बिहार के गोपालगंज जिले में हुई है। और कहा जा रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक, गोपालगंज में नदी के रास्ते यूपी से नाव से शराब को लाद कर ला रहे थे तस्कर, और इसी दौरान पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई और इस दौरान पुलिस ने एक तस्कर को गोली मारकर गिरा दिया। दोनों तरफ से गोलियां खूब चली हैं, लेकिन ये भी बात सामने आ रही है कि दो तस्कर नदी में कूदकर भागने में भी सफल रहे हैं। अब गोपालगंज में पुलिस और शराब माफिया के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि जादवपुर थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां गंडक नदी में मंगलपुर पुल के पास पुलिस ने जब शराब माफिया को पकड़ने की कोशिश की तो पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी गई। जवाबी कार्रवाई हुई, गोली चली और इस दौरान शराब माफिया के पैर में गोली लगी। शराब माफिया को गिरफ्तार किया गया तो वहीं दो तस्कर नदी में छलांग लगाकर फरार हो गए। जैसा हमने आपको बताया, उत्तर प्रदेश से गंडक नदी के रास्ते नाव पर लोड करके ये शराब को ला रहे थे और इसी दौरान पुलिस को भनक लगी। पुलिस ने पीछा किया और पुलिस ने जब पकड़ने की कोशिश की तो गोली चलने लगी। गोली चलने में अब क्या हुआ कि जो गोपालगंज की पुलिस है उसने भी जवाब कार्रवाई की और इस दौरान एक तस्कर को धर दबोचा है, गोली मारकर गिरा दिया है। बीच रोड पर एनकाउंटर हुआ है, दोनों तरफ से काउंटर जवाबी फायरिंग हुई है। और ऐसे में पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि उत्तर प्रदेश से गंडक नदी के रास्ते यह सब चल रहा है, बड़ी बड़ी खेपें मंगवाई जा रही हैं और इसी सूचना के आधार पर कार्रवाई हुई है। तो बड़ी खबर और यह भी खबर है कि दो तस्कर इस दौरान नदी में कूदकर फरार हो गए हैं। तो बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, हालांकि शराबबंदी कानून में समय समय पर संशोधन जरूर होता रहा है, कुछ छूटें जरूर दी जाती रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार का साफ कहना है कि शराबबंदी कानून लागू है मतलब लागू है और जो तस्करी है उस पर रोकने के लिए बिहार पुलिस काफी अलर्ट मोड में काम कर रही है। जो शराब के तस्कर है वो शराब की तस्करी विभिन्न प्रकारों से कर रहे हैं। नदी के रास्ते कोई शराब लेकर आ रहा है, कोई ट्रकों में छुपाकर, कोई तहखाने बनाकर गाड़ी में, कोई ट्रेन से, कोई कैसे, तमाम तरह के साधन बना लिया है तस्करों ने बिहार में। अब जो है ऐसे ही तस्करों के खिलाफ लगातार बिहार में कार्रवाई चल रही है और उसी का नतीजा गोपालगंज में दिखा है। गोपालगंज में बड़ी कार्रवाई हुई है, दो तरफ से मुठभेड़ हुआ है और शराब माफियाओं के साथ पुलिस के मुठभेड़ में एक को गोली लगी है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ की जा रही है। और जो खबर निकलकर सामने आई है, देखिए जो गिरफ्तार हुआ है उसका नाम भी हम आपको बता देते हैं, जिसके गिरफ्तारी हुई है और जो जख्मी हुआ है। शराब माफिया की पहचान सोनपुर के निवासी अजीत कुमार के रूप में हुई है, सदर अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है, उसका इलाज चल रहा है। तो बड़ी खबर, अब पुलिस जो है ऐसे ही शराब तस्करों पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है और जो नहीं मानेंगे, जो इस तरह की घटना को अंजाम देंगे उस पर पुलिस जवाबी कार्रवाई भी कर रही है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।